हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के खरखोदा मुख्यमंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बलिदानी दादा कुशाल सिंह और परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं खरखोदा पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरखोदा स्थित कन्या महाविद्यालय में जाकर शहीदों का बखान करते हुए सिख कौम के बलिदानियों की महानता भी बताई। सोनीपत हरियाणा में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर उनकी तरफ से शहीदों की प्रतिमा का अनावरण किया गया, साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर शहीदों को याद भी किया गया। लगी उसका अनावरण किया, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। और उसी प्रकार से दूसरी शख्सियत जिनके बारे में हम जानते हैं, कर्नल होशियार सिंह जी, वो भी दहिया समाज से ही संबंध रखते थे, सेना में गए और सेना में जाने के बाद उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। बचपन भी उनका एक शिक्षा के नाते देशभक्ति के भाव से पढ़ा हुआ था। रोहतक के जैन कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 30 जून 1963 को कमीशन में आ गए और उस कमीशन में आने के बाद दोनों लड़ाई सन 1965 से 1971 उसके अंदर उन्होंने भाग लिया और उन युद्धों में वीरता की जो मिसाल थी। और 1971 के युद्ध में शकरगढ़ सेक्टर में जलपाल पर कब्जे का आदेश उन्होंने दिया, पाकिस्तान का जो हमला हो रहा था उसको विफल किया। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, युद्ध विराम की घोषणा के समय हमने काफी चीजें आगे बढ़कर के जीत रखी थी। जब ये कहा गया कि युद्ध विराम में आगे नहीं बढ़ना, पीछे हटना है, उस समय कहते हैं कर्नल होशियार सिंह ने कहा, नहीं, भूमि हमने जीती है, हम वापस क्यों जाएंगे। गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ने से मना कर दिया। तो ऐसे वीर, ऐसे बहादुर हमारे कर्नल होशियार सिंह वीर गति को प्राप्त हुए।